और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज महर्षि शुक्ल पक्ष की उदयातिथि चतुर्दशी और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 7:55 तक की रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और मार्गशीर्ष माह की इस पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आज श्री दत्तात्रेय और श्री विद्या जयंती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा क्यों कहते हैं। इस किसी भी महीने की पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र पड़ता है उसी के आधार पर पूर्णिमा का नाम रखा जाता है। चूँकि इस पूर्णिमा पर मृगशीर्ष यानी मृक्षरा नक्षत्र पड़ता है, इसलिए उस पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि आज के दिन मृक्षरा नक्षत्र शाम 5:32 तक रहेगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। वैसे तो किसी भी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व है, लेकिन मार्गशीर्ष के दौरान भगवान विष्णु के कृष्ण स्वरूप की पूजा का अधिक महत्व है। अतः मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ ही उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण की भी उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की उपासना का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं कि आज ही के दिन चंद्रदेव अमृत पूर्त हुए थे, अमृत से परिपूर्ण हुए थे। साथ ही आपको बता दूं कि आज के दिन श्री दत्तात्रेय जयंती भी है। माना जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को प्रदोष काल के समय दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज शाम भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही आज श्री विद्या जयंती भी मनाई जाती है। तो ये थी आज पूर्णिमा की चर्चा, और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। आज शाम 4:12 तक शुक्ल योग रहेगा। इस योग को मधुर चांदनी की तरह माना जाता है। इस योग में किए गए हर कार्य में सफलता मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। आज शाम 5:32 तक रवि योग रहेगा और सुबह 7:55 से शाम 5:32 तक राजयोग भी रहेगा। ये दोनों योग बहुत शुभ हैं। जहाँ एक तरफ रवि योग अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से आसपास सब कुछ अच्छा रखने में मदद करता है, तो वहीं राजयोग में किए गए सभी कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। आज रवि योग और राजयोग दोनों एक साथ पढ़ने से आज का दिन बहुत खास हो गया है। इसके अलावा आज शाम 5:32 तक मृक्षरा नक्षत्र रहेगा। मृक्षरा पांचवा नक्षत्र है, इसका अर्थ है हिरण का सिर। इसके आधार पर मृक्षरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृक्षरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाला जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होता है। हालांकि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म मृक्षरा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि आज आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। तो ये थी योग और नक्षत्र की चर्चा, और अब बात करते हैं भद्रा की। आज सुबह 7:55 से रात 8:27 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है, यानी देखो यहां एक बात कि अब मनुष्य जाति के कुछ लोग आकाश में बनाने की का प्रयास कर रहे हैं कि आसमान में कुछ बनाए। एक बहुत महान गणितज्ञ के नाम पर चलाए जा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का प्रयास जारी कर दिया है कि वो अंतरिक्ष में एक लेयर बना सके, अंतरिक्ष में आवास बना सके। जब अंतरिक्ष में आवास बनेगा, उस समय ये स्वर्गलोक की भद्रा जरूर देखी जानी होगी। भद्रा जब स्वर्गलोक में कब होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता। अब देखिए, इसमें मेष और वृश्चिक दोनों मंगल के हैं, लेकिन वृष शुक्र का और मिथुन बुध की राशि। तब भद्रा का प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्ग लोक की भद्रा का मुख ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ होता है। आज चंद्रमा मेष राशि में है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है, केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। ये थी भद्रा की चर्चा, और अब बात करते हैं आज के शुभ योग में किए जाने वाले खास उपायों की। आज के ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज आप अपने बच्चों को, अगर आप अपने बच्चों को सफल इंसान बनाना चाहते हैं, तो आज आप क्या करेंगे? जब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आसमान छूते देखना चाहते हैं, तो आज क्या करना है? आज आपको भगवद गीता के कुछ श्लोक
कुछ पन्ने पढ़कर सुनाइए। साथ ही उनके पढ़ाई करने वाले कमरे में उचित विधि से सिद्ध किया हुआ एक विद्या यंत्र स्थापित करिए। आप चाहें तो यंत्र को अपने बच्चे के गले में भी पहना सकते हैं। आज रवियोग भी है, राजयोग भी है और बहुत सुंदर सुयोग है। अपना मनचाहा प्यार पाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद श्री कृष्ण भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन्हें मक्खन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। अगर आपका घर किसी कारणवश नहीं बन पा रहा है तो आज श्री विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं और उन्हें 5 लौंग और 5 इलायची अर्पित करें। घर बनाने का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में प्यार कायम रखना चाहते हैं तो आज 2 सासू-सुसरे पान के पत्ते लेकर उनमें से एक पर रोली से अपना और दूसरे पे अपने जीवन साथी का नाम लिखिए। अब उन दोनों पत्तों पर थोड़े चावल रखकर मंत्र बोलते हुए श्री कृष्ण को चढ़ाइए। मंत्र है, ओम नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय स्वाहा। अगर घर के बड़ों के साथ आपका किसी बात को लेकर मनमुटाव बना रहता है तो आज शाम चंद्रदेव को जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्घ्य दे। साथ ही आपको आज एक चांदी की ठोस गोली गले में धारण करनी चाहिए, करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एक सफ़ेद कोरे कागज पर हल्दी से श्रींग लिखकर उसे मोड़कर ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए भगवान के चरणों में अर्पित करें। साथ ही गाय को रोटी खिलाएं। अपने परिवार को हर प्रकार की अनहोनी से बचाए रखने के लिए आज अपने घर में छोटे से कान्हा जी की स्थापना करें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही उन्हें बांसुरी भेंट करें। अगर आप नौकरी के क्षेत्र में अपने शत्रुओं की चाल से परेशान हैं तो आज आपको अच्युत अनंत दामोदर केशव नारायण श्रीधर गोविंद माधव ऋषिकेश त्रिविक्रम पद्मनाभ और मधुसूदन एक एक करके भगवान के इन 12 नामों का जप करते हुए भगवान को ताजे फूल अर्पित करने चाहिए। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। ऐसे करते हुए एक एक जपिए और ताजे फूल अर्पित करिए। अगले उपाय की चर्चा से पहले आपको एक जानकारी और दे दूं कि मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा या 32वीं पूनम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का पुण्य व्यक्ति को 32 गुना होकर प्राप्त होता है, यानी कम मेहनत में अधिक फायदा। अतः अगर आप कम मेहनत में ज़्यादा फायदा चाहते हैं तो आज के दिन आपको जो कुछ भी दान करना चाहते हैं जरूर करिए। खासतौर से 32 इलायची के जोड़े मंदिर में दान करने चाहिए, इससे विशेष लाभ होगा। और किसी भी परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज आपको श्री कृष्ण मंदिर में शंख दान करना चाहिए। साथ ही अगर आपके घर में मंदिर में शंख नहीं है तो आज उचित विधि से घर में शंख की स्थापना करिए। अपने जीवन की हर कठिनाई से मुक्ति पाने के लिए आज माँ बेटी या बहन को नए कपड़े भेंट करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज शाम चंद्रदेव को प्रणाम करके एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर उस पर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए और उसकी विधिपूर्वक पूजा करके अपने घर में स्थापित करें। तो ये थी चर्चा मार्गशीर्ष पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयंती और श्री विद्या जयंती के अवसर पर किए जाने वाले सुंदर उपायों की।